हरे कृष्णा। आप सभी का आज के सुंदर सत्र में फिर से एक बार स्वागत है। तो जो भक्त नहीं अटेंड कर पाए, हम उनके लिए बता दें कि हमने शुरुआत की थी प्रभुपाद की एक माला जप के साथ। प्रभुपाद के साथ हमने एक माला का जप किया। उसके बाद जो हम हमारी मंदिर से जुड़े हुए सभी सत्रों की सूचनाएं हैं, हम कौन से समय पे कौन सी आरती गाते हैं, उसकी श्रृंखला में आज हम संध्याकालीन सत्र तक पहुंच चुके हैं, जहाँ की तुलसी आरती गा चुके हैं, नरसिंह आरती कल गाई थी, गौरचंद्र आरती भी गा चुके हैं। अब केवल बचा था महामंत्र का जप और कीर्तन, तो हमने आज वो किया। और कल भी, क्योंकि कल हमारा अंतिम सत्र है, तो हम महामंत्र के कीर्तन के साथ ही कल भगवान के, जिस तरह से उनको सुलाया जाता है, शमन कराया, शयन कराया जाता है, इस श्रृंखला को पूरा करते हुए कल हम अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के अध्याय की तरफ, और आज का हमारा अध्याय है अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा के क्या क्या विभाग होते हैं और कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, किस तरह का श्रद्धालु व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आता है, ये सब भगवान इसमें हमें बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर कर दें आपके साथ। अब भगवान हमें बताएंगे कि कौन सा भक्त श्रद्धा के किस तरह के, जैसे कि गुणों में होता है। हमने गुणों में क्या पढ़ा, प्रकृति के गुणों में, कि हम मनुष्य को देखकर उसके लक्षणों को देखकर बता सकते हैं कि प्रकृति के कौन से गुण में स्थित है। ठीक उसी तरह से मनुष्य की श्रद्धा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जिस प्रकार से वो श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, कि ये कौन सी स्थिति में स्थित है, कि इसकी क्या अवस्था है, भगवान के प्रति इसकी अभी क्या भक्ति में क्या अवस्था है ना। तो भगवान कहते हैं, सॉरी, इसमें पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्ज यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतुगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। हर बार की तरह अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधान के हिसाब से श्रद्धा का पालन नहीं करते। अभी कुछ ही समय पहले, शायद 2 या 3 सत्र पहले, ये प्रश्न आया भी था, किसी ने भक्ति को लेकर ये प्रश्न किया था। और देवी देवताओं के बारे में तो अक्सर प्रश्न उठते ही आ रहे हैं हर सत्र। तो यहाँ पर भगवान अब उत्तर देंगे अर्जुन के इस प्रश्न का, कि जो अपने हिसाब से, जैसे हम अपने हिसाब से श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को मंदिर में एक साथ रख लेते हैं, भगवान के बराबर रख देते हैं, धूप कभी जला दी, अगरबत्ती कभी जला दी, जोत कभी जला दी, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये बताइए कि फिर भी कौन सी स्थिति में है, उनकी क्या अवस्था है। तो भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहि नाम स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्वनु। क्या कहते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। अब श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, कैसे? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। देखिए जो चित्र है उसमें क्या क्या दिखाया गया है, आइए इसको चित्र से समझते हैं। तो 3 तरह के हमें विभाजित, 3 हिस्सों में किया गया है, भक्त, कर्मी और ज्ञानी। तो 3 तरह के लोग होते हैं, प्राणियों की 3 अवस्थाएं हैं, भक्ति की भी यही 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन भक्त जो है वो सबसे उच्च श्रेणी होती है। भक्त की श्रेणी में क्या है, शुद्ध सत्व है, भक्ति है, भगवान की कृष्ण की प्रेममयी सेवा है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनसे नीचे जो कर्मी होते हैं, पहले हम ज्ञानी पे चलते हैं, उनसे नीचे जो ज्ञानी है, वहां शुद्ध सत्व की जगह क्या आ गया, सत्व आ गया, भक्ति की जगह क्या आ गया, ज्ञान आ गया, प्रेम की जगह क्या आ गया, मुक्ति आ गया, और कृष्णा की जगह क्या आ गया, ब्रह्म आ गया, क्योंकि वो ज्योति में लीन होने की कोशिश करते हैं। ज्योति क्या है, भगवान के शरीर की कांति। और उससे भी नीचे कौन सी कैटेगरी है, कर्मियों की। तो जहां एक भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति है, एक ज्ञानी के आचरण में सत्व है, वहां शुद्ध सत्व है, यहाँ सत्व है, और कर्मी होगा तो क्या आएगा, रजस। जहां एक भक्त के पास भक्ति है,
वहीं एक ज्ञानी के पास ज्ञान है और वहीं एक कर्मी के पास क्या है? कर्म है। जहां एक भक्त के पास प्रेम है, वहीं एक ज्ञानी के पास क्या है? मुक्ति है। और वहीं एक कर्मी के पास क्या है? उसके उसका काम है। जहां एक भक्त के पास कृष्ण है, वहीं ज्ञानी के पास ब्रह्म है और वहीं कर्मी के पास क्या है? स्वर्गलोक। तो कर्मी की जो रीच होती है वो मैक्सिमम कहां तक होती है? मैं अच्छे कर्म करूं ताकि स्वर्ग में जाऊं, मैं नरक से बच जाऊं। वो ये नहीं जानता कि स्वर्ग और नरक के क्षणिक कर्म फल भोगने के बाद उसे वापस जन्म मृत्यु के बीच में आकर फंसना पड़ सकता है। तो कृपया करके हैंड रेज करें पढ़ने के लिए। कौन पढ़ेंगे? जी, पूजा माता जी, हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे हे कृष्ण। पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अलग अलग गुण है ना, हर गुण अलग है, हर व्यक्ति हर गुण के अंतर्गत अलग अलग ढंग से आचरण करता है। तो कहते हैं विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य अलग अलग प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। देखिए बहुत सरल है, जो सतोगुणी होगा वो सतोगुणी श्रद्धा में जाएगा, जो रजोगुणी होगा उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी, और जो तमोगुणी होगा उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। यजन्ते सात्विका देहान अक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो अब भगवान अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। कैसे? देखिए चित्र से समझते हैं। यहाँ चित्र में क्या बताया गया है? सतोगुणी जो व्यक्ति होंगे वो देवताओं को पूजेंगे। आप देखिए सबसे ऊपर एक पुरोहित जी बैठे हैं और वो कहाँ हार चढ़ा लेके खड़े हैं? शिव जी के आगे। अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। जो रजोगुणी होंगे वे किन की पूजा करेंगे? यक्षों और राक्षसों की। और तमोगुणी किसकी करेंगे? भूतों प्रेतों। तो अगर कोई जो जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सिद्धि है वो सिद्धि है, उनकी कोई सिद्धि नहीं होती। वो तो केवल भूतों प्रेतों को पूछ के अपने आप को पता नहीं क्या दिखाते हैं, सब ढोंग ढकोसला है। और रजोगुणी व्यक्ति जो होगा वो कहाँ जाएगा? वो राक्षसों के पास पूजा करने जाएगा। और सतोगुणी कहाँ जाएगा? वो देवी देवताओं को पूजेगा। तो फिर भगवान को कौन पूजेगा? शुद्ध सत्व वाला। जो शुद्ध सत्व में स्थित होगा वो भगवान को पूजेगा, क्योंकि देवी देवता भी भगवान को ही पूजते। देखिए ये आ गए आपके ढोंग ढकोसले वाले। ये देखिए अलग अलग चित्रों में क्या क्या दिखाया गया। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे जो कृष्ण। लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अरे कृष्ण। जो लोग दंभ और अहंकार से, मतलब जिनके अंदर घमंड होता है, जिनके अंदर ईर्ष्या होती है, अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। शास्त्र कभी भी कठोर तपस्याएं और व्रत करने के लिए नहीं कहते। शास्त्र केवल भगवान की भक्ति के लिए कहते। हम सबसे बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं भगवद गीता। क्या कहीं भी भगवद गीता में कहा गया है कि कठोर व्रत करो, कठोर तपस्याएं करो, धरती पे उल्टे सीधे होके लेट जाओ? कहीं बताया गया है? रावण जी ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत अपने शीश पर उठा रखा है। इस तरह की तपस्या, जैसे एक ही और मुनि जी हैं, ये सर तो इनका दिख ही नहीं रहा, कहीं मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। और दूसरी तरफ कौन है? हाँ, इन्होंने भी कुछ अजीब सा ही अपना पोस्चर बना रखा है ना। तो यही बता रहे हैं, इस तरह के जो उल्टे पुल्टे काम और व्रत और तपस्याएं हैं, इसके लिए शास्त्र कभी अनुमति नहीं देते। जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है
तथा शरीर के भौतिक तत्वों के और तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते। आप खुद सोचिए, हमारे शरीर के भीतर कौन रहते हैं, हमारे हृदय में कौन स्थित है? परमात्मा स्थित है, और ये सब हरकतें करके हम उस परमात्मा को कष्ट नहीं दे रहे। तो जब हम अंदर के परमात्मा को कष्ट देंगे तो क्या स्वयं भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें वो श्रद्धा को अपने हमें जीवन में लाना है जो भगवान को प्रसन्न कर सके। और कौन सी श्रद्धा भगवान को प्रसन्न करेगी, इसका उल्लेख कहाँ है? शास्त्रों में। तो हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जो हरे कृष्ण। भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखिए, तीनों के भोजन भी अलग अलग हैं। कितनी बढ़िया बात है, हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो हमारे शास्त्र में भोजन के बारे में क्या बता रहे हैं। ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य को अच्छा रखे, रसमय हो, स्निग्ध हो, स्वास्थ्यप्रद हो, जीवन को शुद्ध करने वाला हो। जैसे अब हम खाते हैं क्या, अनियन गार्लिक के बिना चाय कॉफी का सेवन छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, शुरू में परेशानी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, हम तामसिक से सात्विक की तरफ जाते हैं। कि शुद्ध भोजन करेंगे तो विचार भी शुद्ध आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे। तो भोजन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा भोजन कौन करते हैं, जो सतोगुण में स्थित होते हैं। अब राजसी सुख वाला जो होगा, जो रजोगुण में स्थित होगा, वो क्या खाएगा, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क। ज्यादातर लोग पसंद करते हैं ना, टिक्की खाते हैं, गोलगप्पे खाने हैं, मीठे में गुलाब जामुन खाने, ये सब तमोगुण ही सॉरी रजोगुण के लक्षण। तो मनुष्य का खान पान भी डिसाइड करता है कि उसकी श्रद्धा कैसी होगी। जैसा हमारा खान पान होगा वैसे ही विचार होंगे, तो श्रद्धा भी तो वैसी होगी। अब एक रजोगुणी व्यक्ति एक सात्विक श्रद्धा कैसे रख सकते, नहीं रख सकता है। जो तामसिक है वो क्या खाते हैं, स्वादहीन, 3 घंटे से पूर्व पकाया हुआ बासी, है ना, जिसका कि स्वाद भी खत्म हो चुका है, और सड़ा हुआ, जूठा, ऐसा खाना कौन खाते हैं, तामसी लोग खाते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में भोजन तक के विभाजन करके बताया गया कि कौन सा मनुष्य क्या खाता है। देखिए, सारे इसमें चित्रों के साथ आपको बताए जा रहे हैं, सात्विक कौन सा है, और ये तीखे गरम, है ना, ठीक है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होगा जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाएगा जो फल की इच्छा नहीं कर सकते। अब यज्ञ आ गया, पहले क्या आया, फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको स्लाइड अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चैप्टर्स, अब आप अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, आपको चैप्टर्स समझ में भी आने चाहिए। देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था, श्रद्धा से शुरू किया था कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, गुणों को पढ़ा। तो गुणों में श्रद्धा और गुण जो है वो आपस में जुड़े रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। जैसे गुणी गुणों में व्यक्ति होगा वैसे ही उसकी श्रद्धा होगी। तो सबसे पहले पूजा के ऊपर बात आएगी, कौन से तरह की पूजा। सतोगुणी मनुष्य कौन सी पूजा करेगा, देवी देव सॉरी देवी देवताओं की। रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की। तमोगुणी भूतों प्रेतों की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया, पूजा कौन किसकी करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या आया, सेकेंड पॉइंट आया कष्ट पहुंचाना, शरीर को कष्ट पहुंचाना। ये कहीं से कहीं तक भी सतोगुणी व्यक्ति का या सतोगुणी श्रद्धा रखने वाले का काम नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सतोगुणी श्रद्धालु नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या आया, भोजन किस तरह का, सतोगुण में कैसा भोजन होगा, रजोगुण में कैसा भोजन होगा, तमोगुण में कैसा भोजन होगा। अब चौथा पॉइंट क्या आ गया, यज्ञ। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, कैसा यज्ञ सात्विक होगा, कैसा राजसिक और कैसा तामसिक। तो सबसे पहले सात्विक यज्ञ के बारे में बताया। तो सात्विक यज्ञ वो होगा जिसको शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाए, इसमें कहीं से कहीं तक भी फलों की इच्छा नहीं हो सकती। तो अब यज्ञों पे बात आ गई।
देखिए हमारे जो कृष्णा डिवोटीज है वो क्या करते हैं, माला जप करते हैं, कोई उद्देश्य तो नहीं होता माला का, केवल भगवान की प्रसन्नता के। और जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाए उसे तामसिक मानते हैं, सॉरी राजसी मानते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, कहीं हमें संसार को जीतना है तो कहीं हमें घोड़ा छोड़ देना है और अपनी स्वतंत्रता, अपनी हमारी हमारा आधिपत्य दिखाना है कि पूरे विश्व को हमने जीत लिया, कहीं हमें पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करना है, तो ये कौन से हो गए जिनके पीछे कोई भौतिक इच्छा हो, तो कौन से हुए, रजोगुणी यज्ञ। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिना दिए बिना किया जाता है, श्रद्धा के ही बिना हो गया ना, वो तामसिक। ऐसे यज्ञ कौन से होते हैं, जैसे विवाहों में ज्यादातर लोग कहते हैं अरे पंडित जी टाइम बहुत कम है जल्दी जल्दी पढ़ दो सारे मंत्र, तो अगर ध्यान से देखें तो वो तामसिक यज्ञ। कोई भी पुरोहित, कोई भी जो एक बुद्धिमान पंडित होगा, वो कभी भी मंत्रों के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता कि इनको स्पीड से पढ़ दो, आधे पढ़ो, आधो को पढ़ो ही नहीं, उनका प्रोनाउंसिएशन खराब कर दो, नहीं कर सकता। आज के समय में तो वैसे पुरोहित रहे ही नहीं, तो श्रद्धा का मतलब ही नहीं रहा, सारी श्रद्धा जो है वो सब पॉल्यूटेड हो चुकी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजमम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्या बता रहे हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या। तो पहले क्या आया, पहले भोजन आया, फिर यज्ञ आया, अब तपस्या आएगा कि कौन सी तपस्या किस तरह की होती है, कौन सी रजोगुणी तपस्या है, कौन सी सात्विक है और कौन सी तमोगुणी। तो क्या बता रहे हैं, परमेश्वर ब्राह्मण गुरु माता पिता इन सबकी पूजा करना, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभासयम चैव वांग्यमयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर, अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या थी, फिर से देखिए, शरीर की तपस्या क्या थी, परमेश्वर ब्राह्मण गुरु और माता पिता ऐसे लोगों की पूजा करना, ऐसे लोगों को के साथ एक ऐसा आचरण निभाना जो कि एक दिखता है आपके आचरण में कि आप सतोगुणी हैं, पवित्र रहना, सरलता बरतना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अहिंसा ना कर अहिंसा का पालन करना, ये सब क्या है, शरीर की तपस्या। और वाणी की तपस्या क्या है, सच्चे भाने वाले, हितकर वचन बोलना, ऐसे वाक्य बोलना जिससे दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगे, और शास्त्रों के हिसाब से ही बोलना, वैदिक साहित्य के हिसाब से बात करना, जो शास्त्रों में है उसी को मानना और उसी को बोलना, जैसे महाराज युधिष्ठिर, ये कौन सी है, ये वाणी की तपस्या है। और तीसरा क्या बताया, संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो तीन तरह की तपस्याएं हो गई, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपको, तीन तरह की तपस्याएं कौन सी हुई, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो शरीर की तपस्या क्या है, फिर से देखिए आपको, इसीलिए हम स्लाइड्स आगे पीछे चल के दिखाते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखिए शरीर की तपस्या क्या है, गुरुजनों की माता पिता की सेवा करना, पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन की तपस्या क्या है, सॉरी वाणी की तपस्या क्या है, ऐसे वाक्य बोलना जो दूसरे को अच्छे लगे और शास्त्रों के हिसाब से चलना। और तीसरा मन की तपस्या, मन की तपस्या क्या है, संतोष रहना, सरल रहना, गंभीर रहना, आत्मसंयम रहना, ये मन की तपस्या। श्रद्धया परया तप्तम तपस्या त्रिविधम नरे अफालाकांक्षी सात्विकम परिचक्षते। सुजल प्रभु जी, हे कृष्णा माता जी, भौतिक हरे कृष्णा, लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य सत्ता में संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सात्विक तपस्या कहलाती, कौन सी तपस्या, जैसे आप देख रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और आपकी मायापुर धाम की परिक्रमा, तो धाम यात्रा,
धाम यात्रा क्या है? सबसे बड़ी सात्विक तपस्या। इसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है। अब इतने सारे संत देखिए आप चल रहे हैं पैदल, इतनी लंबी लंबी यात्रा, इतना लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, रास्ते की कठिनाइयों को झेल रहे हैं, कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट नहीं है तब भी चल रहे हैं, तो क्या है ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी तपस्या क्या कहलाती है? सात्विक तपस्या। अब कौन सी तपस्या की बात हो रही है? ऐसी तपस्या जिससे कि भगवान प्रसन्न, वो नहीं कि उल्टे सीधे होकर रेत में घुस गए और इसमें से डाल लिया उसमें से निकाल लिया, वैसा नहीं। भगवान को प्रसन्न करने वाली तपस्या, जिसमें सबसे बड़ी तपस्या है धाम यात्रा। सत्कार मन पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमद्रुवम चलमद्रुवम। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जो तपस्या दव पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुनी कहलाती है। ये न तो स्थायी होती है न शाश्वत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कौन सी तपस्या रजोगुणी होती है? जो दंभ पूर्वक या सम्मान और सत्कार के लिए संपन्न की जाती है, जहां हमें अपने ऐसे अनुष्ठानों से, जैसे कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ऐसा अनुष्ठान करते हैं कि फिर उसमें मंदिर बनवाया तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मुझे बहुत बड़े कोई वीआईपी चाहिए, फिर वीआईपी क्योंकि आ गए तो उनके साथ फोटो भी खिंचानी, फिर वो फोटो अब क्योंकि खिंचा ली तो उसे इंस्टाग्राम पे तो डालना है ना। तो ऐसी तपस्या क्या है? ये स्थायी तपस्या नहीं है, ये सही नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। तो ऐसी तपस्या को क्या कहते हैं? रजोगुणी तपस्या। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परयसो सॉरी परस्योत साधनार्थां तत्ताम समुदाहृतम्। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो तामसी तपस्या क्या है? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए की जाए, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने के लिए। खासकर आप देखिए इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जो तांत्रिक होते हैं, कि हम भाई मुझे किसी का घर उजाड़ना है, अब मेरा काम कर दो, वो लाखों रुपए लेते हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी तपस्याएं करते। इस तरह की तपस्या जिससे कि किसी का विनाश हो जाए, किसी को हानि पहुंचे, तामसिक तपस्या कहलाती। दातव्यमिति यद्यानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानं सात्विकमृतं स्मृतम्। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युत प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले भोजन पढ़ा, कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। फिर हमने तपस्या पढ़ी, कौन सी शरीर की है, कौन सी वाणी की है, कौन सी मन की है। फिर तपस्या किस तरह से की जाती है वो पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब दान, और बीच में यज्ञ के बारे में पढ़ा, कौन से यज्ञ सात्विक है, कौन से राजसिक है, कौन से तामसिक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब दान के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सा दान सात्विक है, कौन सा दान राजसिक है, कौन सा दान तामसिक है। तो दान को जो कर्तव्य समझ कर करे, पहली बात दान को इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे उसका फल मिलेगा, अपना कर्तव्य समझ कर करे, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, उसको अपनी कोई सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए होती कि मुझे ग्लोरिफाई भी करो, ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। समुचित काल स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक है। अब देखिए आप चित्र में एक इस्कॉन डिवोटी है जो भगवद गीता का या प्रभात की बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें किसी उनका तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, वो तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे दान को क्या कहा जाता है? सात्विक दान। नंद महाराज का घर दिखा रहे हैं, भगवान का सुंदर चित्र सामने, दर्शन कीजिए। छोटे से नंद लाला अपने नंद बाबा की गोद में बैठे हैं ना, सुंदर दृश्य है। यत्
यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्ज्ञानम राजसंस्कृतम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। किंतु किंतु जो दान प्रत्युत प्रकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी राजस्व कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब राजसिक दान कौन सा हुआ? जो प्रत्युपकार की भावना या कर्म के फल की इच्छा से किया जाता है। तो मोटे तौर पे एक बात समझ लीजिए, जहाँ कोई इच्छा नहीं होगी किसी कारण के पीछे, कोई लक्ष्य नहीं होगा, वो क्या होगा? सात्विक होगा। चाहे तप है, चाहे दान है, चाहे तपस्या है, चाहे यज्ञ है। जहां कोई सकाम कर्म या सकाम इच्छा बीच में आ जाएगी, वो कौन सा होगा? वो राजसिक होगा। चाहे तप है, चाहे यज्ञ है, चाहे भोजन है और चाहे दान है। और जहां ये दोनों चीजें नहीं बल्कि मनुष्य का बिल्कुल पागलपन वाली स्टेज आ जाएगी, तो वहां तामसिक होगा। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? ऐसा दान जो प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, जहां बीच में आपके सकाम कर्म आ गए। आदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। इस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे तथा कृष्ण। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कैसा दान, कौन सा दान होना चाहिए? जो जो नहीं होना चाहिए, जो अपवित्र स्थान में ना हो, जो अनुचित समय में ना किया गया हो, जिसके लिए किसी योग्य व्यक्ति का चयन ना किया गया हो, ऐसा दान हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो क्या करना चाहिए? पवित्र स्थान में करना चाहिए, पवित्र व्यक्ति को देना चाहिए। कई बार हम लोग आउट ऑफ अफेक्शन बेगर्स वगैरह को दे देते हैं। तो ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो कोई श्रेष्ठ दान नहीं है, वो दान कोई अच्छा समझे जाने वाला दान नहीं है, क्योंकि उसकी मंशा क्या है, वो आपके दिए हुए दान को किस प्रवृत्ति से ले रहा है, उसको किस में खर्च करेगा, यूज करेगा। समझ लीजिए, आपने अपने पैसे का प्यूरिफिकेशन नहीं किया, उल्टा उसको और गंदा कर दिया। और जबकि इस्कॉन मंदिरों में, जहां मंदिरों के या गौशालाओं के या ऐसे बहुत से अच्छे कार्यों में भगवान की सेवा में आपकी लक्ष्मी लगाई जाती है, तो वहां आपकी लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण होता है। तो क्या कह रहे हैं? जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, वो क्या कहलाता है? तामसिक। जी प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्व सत सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया किए जाते जाते रहे हैं। ये तीन सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भाई। तो तीन शब्द हमने बहुत बार सुने, जब भी कहीं कोई यज्ञ होता है, ओम तत् सत्। क्यों कहा जाता है इनको? ये ओम तत् सत् किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये वैदिक मंत्रों के हिसाब से जब यज्ञ होता है, तो ये भगवान के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये परम ब्रह्म को भी सूचित करते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के समय और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए ओम तत् सत् आ जाता है ना, ओम तत्सत करके शुरू करते हैं अपने प्रेस। तो ये भगवान के उस ओम स्वरूप को और ब्रह्म स्वरूप को जब देखते हुए ब्राह्मण लोग करते हैं, पुरोहित लोग करते हैं, तो ओम तत्सत कहते हैं। पढ़िए प्रभु जी, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, नीचे पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द थ्री वर्ड्स ओम तत् सत वेर यूज टू इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। दीज थ्री सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस वेर यूज्ड बाय ब्राह्मण्स व्हाइल चैंटिंग द दीदी गोविंद को बोल दो, मेरी क्लास चल रही है अभी।
hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. Hare Krishna Mataji. हाँ, एक मिनट, एक सेकंड मेरा। क्षमा कीजिए, एक फोन बार बार आ रहा था, इसलिए मुझे, मैं कोई ऑडियो को म्यूट करना भूल गई, सॉरी। बात नहीं माता जी, रिपीट करना है क्या माता जी, रिपीट हाँ जी, करना है क्या ये? हाँ, एक मिनट, मैं कर देती हूँ, कोई बात। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन थ्री वर्ड्स ओम तत् सत वर यूज टू इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। दीज थ्री सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस वर यूज्ड बाय ब्राह्मणास while chanting the hymns of Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. तो ये जो sacrifice word आया है, यहाँ sacrifice का मतलब हम यज्ञ से लेते हैं, है ना? तो ये जो ओम तत् सत तीन शब्द हैं, इनको परम ब्रह्म की, परम सत्य की, जहाँ हम अनुभूति के लिए, खोज के लिए, पूजा के लिए यूज करते हैं, वहां इन तीन शब्दों से वैदिक मंत्र किए जाते थे। यस प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, लगता हरे कृष्ण। है पूजा जी को भी चांस देना चाहिए, काफी देर से हाथ खड़े कर रहे हैं। ओके, ठीक हरे कृष्ण है, माता जी। पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ओम शब्द का उच्चारण जो होता है वो हम मंत्रों की शुरुआत में करते हैं। कोई भी अगर हमारा, हम देखते हैं वैदिक मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में ओम करते हैं। और भगवान ने भी स्वयं को क्या कहा है मंत्रों में, तो मैं ओम हूँ, ओमकार हूँ, ओमकार से शुरू होते हैं ना सारे मंत्र। तो इसलिए ओम शब्द का मतलब है विष्णु। तो जहां भी हमें किसी भी यज्ञ का या किसी भी दान या तप या किसी भी ऐसी वैदिक क्रिया का शुभारंभ करना होता है, वहां हम शुभारंभ किससे करते हैं? ओम शब्द से। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब हम तीनों शब्दों को समझ रहे हैं। तो ओम शब्द किसका सूचक है? विष्णु का सूचक है, इसीलिए उनसे शुरुआत की जाती है। अब ओम तत् सत, अब तत् पे आते हैं। तत् क्या है? मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् कहे कहकर संपन्न करे। तो किसको संपन्न करने के लिए? यज्ञ तप और दान, लेकिन कब? जब कोई कर्म फल की इच्छा ना, क्योंकि शुद्ध यज्ञों की बात हो रही है। तो पहले ओम कहा, अर्थात विष्णु का स्मरण किया, भगवान विष्णु का, और फिर कर्म फल की इच्छा किए बिना यज्ञ तप और दान को तत् कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ये सारे जो हम वैदिक ढंग से जो भी काम करेंगे, उसका तात्पर्य, उसका क्या होगा, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या होगा? कोई सकाम लक्ष्य नहीं होगा, कोई कर्म या कोई हमारी ऐसी भौतिक इच्छा नहीं होगी, एक ही इच्छा होगी, भव बंधन से मुक्ति। इसीलिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण ओम तत् सत कहकर किया जाता है। अब सत के बारे में आता है। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियां में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण मतलब। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। अब सत शब्द जो है वो सत्य का सूचक है, तो सत्य का सूचक है। सत्य का अर्थ क्या है? शाश्वत, जो इटर्नल है। कहते हैं ना इटर्नल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? भगवान। और इटर्नल ट्रूथ कौन है? जो हम भगवान के बारे में ज्ञान पढ़ते हैं वो सब शाश्वत सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं, वो शुरू से चला आ रहा है, सनातन है, शुरू से आ रहा है और अंत तक चले, उसकी कोई सीमा नहीं, क्यों? भगवान के बारे में क्या? तो प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता जाता है। भगवान के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं वो शाश्वत हो जाती है ना, एटर्नली हो जाती है। तो ओम शब्द क्या हुआ? विष्णु का सूचक। तत् शब्द क्या हुआ? जहां हम इन क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जो किससे जुड़ी हुई है? तप से, ज्ञान से, यज्ञ से। और सत्य का क्या अर्थ हुआ? सत्य, कौन सा सत्य? भगवान का परम सत्य। इसीलिए ओम तत् सत कहकर जो है हम इन यज्ञों को संपन्न करते हैं। अश्रद्धा हृतम दत्तम तपस्ततम कृतम चयत असिदत्यच्यते पार्थ न च प्रत्यतो प्रत्य प्रत्येतनो ही। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर। नश्वर मतलब उसका अंत तो होना ही है, वह असत कहलाता है। तो जो सत नहीं है वो क्या हुआ? असत हो गया। और इस जन्म तथा अगले जन्म में, सॉरी एक सेकेंड, इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। तो जो सत नहीं है वो असत हो गया। तो सत क्या नहीं है? जो सत्य नहीं है। तो अगर श्रद्धा के बिना आप कोई भी यज्ञ या दान या तप कोई भी चीज करते हैं श्रद्धा के बिना, श्रद्धा विहीन होकर, तो क्या कहलाएगी? वो असत कहलाएगी, है ना? तो अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सत नहीं है, असत है, तो उसका तो फिर कोई, वो तो व्यर्थ हो गया ना, इस जन्म में उसका काम क्या? कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमें तो किस लिए करना था? भवबंधन से मुक्ति के लिए। लेकिन असत कार्य ने तो हमें फिर से फल के साथ, कर्म के साथ बांध दिया, तो मुक्ति कहां से मिली? तो वो तो हमारे इस जन्म के लिए व्यर्थ। भगवान के सुंदर दर्शन कीजिए, कमल नयन है भगवान के, कितनी सुंदर भगवान की चितवन है ना, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, और वंशी कितनी सुंदर है, और कितनी सुंदर मधुर उंगलियों से भगवान ऐसे करके उसे बजा रहे हैं। उनके हाथों की कुंडल, कानों की कुंडल देखिए, हाथों के कंगन देखिए, कंठी में माला देखिए, कितना सुंदर रूप है। हरी बोल। तो और कोई अगर नहीं पढ़ना चाहते तो एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए आप दोनों, पहले माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर प्रभु जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। हरे कृष्णा पार कर माता जी। जाते हैं। हरे कृष्ण। तो सबसे बड़ी बात क्या है? जो प्रकृति के गुणों को कौन पार करेगा? जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठेगा वो फिर कैसा? गुणातीत हो गया वो। तो ऐसे व्यक्ति को तो फिर कर्म या कर्म के फल नहीं बांध सकते ना। गुणों से परे होना तो अपने आप में फिर तो सब कुछ, मतलब वो तो एक अलग ही लेवल हो गया ना, जहाँ गुण ही इफेक्ट नहीं कर रहे। शुद्ध सत्व जैसे प्रभुपाद है, देखिए बगल में किसका चित्र दिया? श्री प्रभुपाद का। क्योंकि प्रभुपाद एक ऐसे हमारे जीवन में व्यक्ति हैं, हमारे गुरु के रूप में, जो शुद्ध सत्व में है, जो सत्व गुण से भी ऊपर होता है। या तो जो हमारे अभी गुरुजन चल रहे हैं, जैसे नॉर्थ में, जैसे दिल्ली में हम, मैं रहती हूँ यहाँ, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज है। साउथ में जैसे परम पूजनीय जयप्रताका स्वामी महाराज है ना। तो ऐसे जो हमारे गुरुजन है, या तो फिर वो शुद्ध सत्व में है। और तो हम ऑर्डिनरी लोगों में तो शुद्ध सत्व हो ही नहीं सकता, हम तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मल, मद, मत्सर, सब चीजों से भरे पड़े। शुद्ध सत्व तो बहुत दूर की बात। तो बद्ध अवस्था में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण में कौन श्रेष्ठ है? सतोगुण श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। लेकिन
जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो गुणों से भी ऊपर उठ जाता है। पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इस ईश्वर प्रेम तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सफलता पाने के लिए क्या करना है? गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण लेना, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती। क्योंकि जब गुरु जीवन में आएंगे तो वो शास्त्रों के अनुसार हमको चलना सिखाएंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें हमारे गुरु बताते हैं। अभी जैसे हमारे श्री प्रभुपाद हैं, तो श्री प्रभुपाद ने जो भी गाइडलाइंस हमें दी है उनके शिष्यों के द्वारा, आगे उनके शिष्यों के द्वारा हम तक पहुंच रहे, और हमें उन्हीं को फॉलो करना। तो जब हम ऐसा करेंगे, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हुए करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे तपो से तमो से रजो में, रजो से सतो में, और सतो से शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, और फिर भगवत धाम, भगवत प्राप्ति है ना। तो अब इस अध्याय के बारे में बताया जाता है कि अधिकृत अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ, ये आपको मिलेगा 17.1 में। भगवान के उत्तर, भगवान क्या बता रहे हैं? तीनों गुण एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं, 2 से लेकर 7 तक। 8 to 10 इनमें खाद्य पदार्थों का वर्णन, जैसे हमने पढ़ा कौन सा पदार्थ कौन सेवन करेगा। फिर 3 गुणों में आपने चार सारे प्रकार देखे, हम आपको साथ साथ साइज पीछे करके दिखा रहे थे। सबसे पहले हमने गुणों के बारे में पढ़ा, फिर 3 गुणों में यज्ञ खाद्य के बारे में पढ़ा, फिर यज्ञ के बारे में पढ़ा, तपस्या के बारे में पढ़ा, फिर दान के बारे में, और फिर ओम तत् सत के बारे में पढ़ा। उसी ऑर्डर में यहाँ पे आपको इसके रेफरेंस श्लोक नंबर्स बताएंगे। तो ये थी आज की प्रस्तुति और चैप्टर नंबर 17 श्रद्धा के सिद्धांत। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हरे कृष्ण माता जी। हैं। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी एक बार सत का एक्सप्लेन कर दीजिए ना माता जी। सत हाँ माता सत जी। प्रभु जी, ओम तत् सत, सत बताता है सत्य को। भगवान के बारे में जो भी हम ज्ञान समझते हैं वो सत्य है ना, वो सत्य है। तो सत शब्द जो है वो सत्य को दिखलाता है, परम सत्य। परम सत्य की जो अनुभूति हम करते हैं वो सत शब्द के द्वारा, हम जबकि 3 शब्द बोलते हैं, तीनों को अलग अलग ढंग से यूज किया जाता है। मैं आपको उस पर भी ले चलती हूँ स्लाइड पे। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। परम सत्य क्या है? भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य। हम भक्ति में जो यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ा यज्ञ हम क्या कर रहे हैं आज के कलयुग में? संकीर्तन यज्ञ। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत के द्वारा। सत क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत मीन सत्य, भगवान ही तो है परम सत्य। सबसे बड़ा सत्य क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं कहते भगवान, इसीलिए कहते हैं परम सत्य। और ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता कौन हुआ? अब संकीर्तन यज्ञ जो कर रहा है वो उसका कर्म संकलन संपन्न करता हुआ, तो वो भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप और दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो जो भी हम यज्ञ संपन्न करते हैं या जो भी हम कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो सब सत्य है, क्योंकि हम परम सत्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सत्य हुआ ना। तो सत का अर्थ क्या है? शाश्वत, एटर्नल। माता जी आप एक बार तत् का भी बता दीजिए ना माता जी। तत् हाँ जी, तत् का माता जी। तत् का तत् तो भगवान के लिए हम यूज करते हैं जब हम ज्ञान यज्ञ और तप की तरफ चलते हैं। जैसे ये रहा, मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा के किए बिना यज्ञ तप और दान को तत्संपन्न कहकर संपन्न करे।
तो तत् शब्द जो है वो व्याख्या करेगा किसकी, यज्ञ ज्ञान और तप की। तप मतलब तपस्या, यहाँ पर तप का मतलब तपस्या है। और ओम क्या हुआ, ओम हुई शुरुआत, तो ओम तत् सत्, ओम अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु, उनसे शुरुआत हुई, फिर हमने यज्ञ तप और दान को संपन्न किया, और फिर उसके बाद हमने सत्य के, परम सत्य के अनुभूति की, तभी तो कंप्लीट होगा। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम सत्र को विराम देते हैं, और कल अंतिम सत्र के साथ हम फिर आपसे 9:15 बजे के आसपास उम्मीद करेंगे कि जुड़ जाएं, ताकि हम थोड़ा सा कीर्तन करें, और उसके बाद समय रहते हम अपना, और कल का चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है, तो हम समय रहते उसको पूरा करें। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा माता जी, सुजल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे